जो भी लाइव देख रहे हैं उसको तीन डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स, उसके ऊपर क्लिक करो और लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने फेसबुक की टाइमलाइन पे। तोरणिया जी सबसे पहले, कांतिलाल जी तोरणिया जोहार नमस्कार, हीरालाल जी डामोर नमस्कार जोहार, थ्री डॉट्स उसके ऊपर क्लिक करो, लिंक शेयर का आएगा, अपने टाइमलाइन पे लिंक शेयर करो और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस चीज़ को डालें ताकि जो कल का यानी 30 तारीख का बेणेश्वर का कार्यक्रम है उसके लिए थोड़ी सी अपील करना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं। साथियों जोहार, हम लोग बहुत थके हैं, अभी आवाज़ भी सही नहीं है, फील्ड वर्कर करके आए हैं आज दिन भर से, और बेणेश्वर भी कल तो नहीं परसों जाना हुआ था लेकिन वहाँ हमारा आयोजक टीम दिन रात लगी हुई है और पांडाल पूरी तरह से सज चुका है, पूरी तैयारियां जोश खरोश के साथ में हो चुकी है। अब कल समागम होने वाला है सोम माही जाखम अर्थात बिल प्रदेश के धर्मस्थली, आदिवासी धर्मस्थली, प्रकृति पूजक स्थल बेणेश्वर बेणका टापू पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान अर्थात पूरे बिल प्रदेश से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय जन के साथ साथ जो भी समुदाय रहते रहते आए हैं वो भी शिरकत करेंगे। तो मेरा लाइव होने का खास कारण को ज्यादा नहीं है, मैं मेन बिंदु पे आना चाह रहा हूँ। तो आप जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक जाए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी बिल प्रदेश के अंदर बहुत सारे नेता आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये 2014 से जो आदिवासी परिवार का गठन करके एक विचारधारा विकसित करके आदिवासियों में जो जनजागृति फैलाई है और आदिवासी हक अधिकार के प्रति जो सावधान हुए, सचेत हुए हैं, जो जानने समझने लगे हैं, जिसके कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरे इस आदिवासी इलाके में दर्जनों बार सभाएं कर चुके हैं और आ चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमारा कार्यक्रम जो भी 30 तारीख को है तो 1 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कार्यक्रम मानगढ़ धाम पर है और वो सिर्फ चुनावी मुद्दा साधने के लिए आ रहे हैं। अभी गुजरात में हाल ही चुनाव आने वाले हैं उसको लेके आ रहे हैं, वो कैसे भी आए हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनसे उनका कार्यक्रम करेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री है, कहीं भी कार्यक्रम कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। और हाँ, एक चीज उस कार्यक्रम को लेके हम कहना चाह रहे हैं कि वहां जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने जा रहे हैं तो किस बात का राष्ट्रीय स्मारक, भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए क्योंकि वहां पे 1500 भील आदिवासियों ने शहादत दिया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी हमारे लोगों ने दिया है। तो मैं जो हमारा 30 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए लाइव आया हूँ, बेणेश्वर के अंदर आदिवासी महासम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है 30 तारीख को। बिजी होने के कारण मैं ज्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस चीज को वायरल नहीं कर सका, पोस्ट नहीं डाल सका। कल से हम लोग इसको इस पे लगे हुए हैं और हमारे तमाम छोटे मोटे कार्यकर्ता सभी इस चीज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनजागरण कर रहे हैं। तो मेरा जो लाइव आने का कारण ये है कि मध्य प्रदेश से जो साथी आ रहे हैं, जयस आदिवासी परिवार के साथी, तो उनके लिए मध्य प्रदेश में जो भी टोल टैक्स लगेगा वो सक्षम है, वो वहां पे नहीं देंगे मुझे हमें आशा है। लेकिन जैसे ही बांसवाड़ा में एंट्री करेंगे तो बांसवाड़ा के अंदर जो माही पुल के आगे एक टोल टैक्स है और उसके पार करने के बाद में एक टोल टैक्स है और उसके आगे बांसवाड़ा से आप क्रॉस करोगे एक टोल टैक्स है, तो ये तीन टोल टैक्स उनको लगेंगे। तो मैं टोल टैक्स वालों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस साथी के ऊपर जेएस का पीला झंडा हो, गाड़ी के ऊपर जिस व्हीकल के ऊपर आपका बिल प्रदेश का झंडा हो, सफेद झंडा हो, और जिस व्हीकल के ऊपर हमारे चांद सूर्य तारे का प्रतीक सफेद लाल हरा झंडा कोई भी हो उस पे आप लोग टोल टैक्स नहीं लेवे। ये हमारा रूट हो गया आपका मध्य प्रदेश का। दूसरा रूट हमारा है सलुम्बर रोड का, तो सलुम्बर रोड पे तीन टोल टैक्स लगभग लगभग आएंगे। तो तीनों टोल टैक्स वालों से हमारा अपील है, निवेदन है कि जिस साथी के ऊपर, जिस साथी के व्हीकल के ऊपर, चाहे वो मोटर आपका फोर व्हीलर हो या सिक्स व्हीलर हो, उसके ऊपर बिल प्रदेश का झंडा हो या फिर मानगढ़ जाने के लिए अगर व्हीकल आ रहा हो तो उसके उसके साथ में भी टोल टैक्स नहीं लिया जावे। तीसरा हमारा रूट रहेगा आपका ये खेरवाड़ा वाला, खेरवाड़ा से डूंगरपुर, तो उसके अंदर जो एक नेशनल हाईवे जो पड़ता है खेरवाड़ा के आगे,
खाड़ी ओमरी के पास में जो टोल टैक्स है, उनसे हमारा निवेदन है कि जो भी वाइकन के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा हो या आपका बेनेश्वर के अंदर कार्यक्रम में आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में आने वालों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लिया जावे। आने तमाम प्रकार की लाइनों पे जो टोल टैक्स लग रहे हैं, उन टोल टैक्स वालों से हमारा अपील ये है, आते हुए भी और जाते हुए भी, क्योंकि ये बिल प्रदेश में एंट्री मार रहे हैं और हमारे इलाके में आ रहे हैं और एक पवित्र स्थल पर आ रहे हैं, बेणेश्वर धाम पर आ रहे हैं और आदिवासी महासम्मेलन में आ रहे हैं। इसलिए जो भी वाइकल बेणेश्वर आ रहा हो, उसके ऊपर हमारे धर्म ध्वजा लगी हो, बिल प्रदेश का झंडा लगा हो, जेएस का झंडा लगा हो, उनके साथ पास में 1 रुपया भी टोल टैक्स नहीं लेवे। आपका जो एक सर्विस लाइन है उसको छोड़ दिया जाए, और हमें अगर पता चला कि आपने टोल टैक्स लिया है तो हम पहले भी कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में आपके जिस प्रकार के ये धंधे चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, वो पूर्ण रूप से अवैध है। हमें मजबूर होके आपके टोल टैक्स पे आके धरना देना पड़े, ऐसा नहीं होवे। इसीलिए एक दिन का मामला है आने जाने का, तो मैं टोल टैक्स वालों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अपना दूसरे समय लेते रहना, लेकिन जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं उन लोगों से एक भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जावे। अगर लिया तो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता तत्काल उस टोल टैक्स पे पहुंचेंगे और उस टोल टैक्स वाले का नाम पता हमको बताएंगे, ताकि हमारा जो बेणेश्वर से एक डेलीगेशन वहां आएगा, उससे चर्चा करेगा। लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हम लोग ने साफ कह दिया है कि अगर आपने टोल टैक्स लिया तो हम बेणेश्वर के कार्यक्रम के बाद में हमारा मुख्य आंदोलन रहेगा बिल प्रदेश टोल टैक्स मुक्त। दूसरा हमारा एक टोल टैक्स और लगता है लिमड़ी के अंदर, लिमड़ी के अंदर जो टोल टैक्स लिया जा रहा है वो भी नहीं लेवे। मैं गुजरात के साथियों को कहना चाह रहा हूं, गुजरात संभाग के जो आपके बिल प्रदेश के साथी है उनको कह रहा हूं कि आप बिल प्रदेश का झंडा लगा के आइए और लिमड़ी के अंदर जो टोल टैक्स ले रहे हैं उनको टोल टैक्स मुक्त करिए उस दिन के कार्यक्रम में आने और जाने का। तो जितने भी साथी लोग यहां पे आ रहे हैं उनका सविवेक से अपनी सावधानी पूर्वक व्हीकल को व्यवस्थित रूप से चलाते हुए, कोई नशा पता किए बिना और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आदिवासी महासम्मेलन को सफल बनाए, इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मेरे लाइव को सुना और इस चीज को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। लंबा नहीं देना चाहता हूं, ये जो जो भी छोटा मोटा मेरा लाइव हुआ है उसको आप लोग अपने ग्रुपों में वायरल करेंगे और टोल टैक्स वालों तक तो ये हमारा वीडियो जाए, ऐसी आशा विश्वास के साथ में कल का कार्यक्रम सफल हो, अपने सविवेक से गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से कानून व्यवस्था बनाए हुए शांतिपूर्वक आप लोग सम्मेलन में आएंगे और शांतिपूर्वक सम्मेलन करके अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में रोहित कांति भाई आदिवासी आपका साथी, हर सुख दुख का साथी, आप सभी ने मेरे को लाइव सुना, आप सभी की जय, आप सबकी जय। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा।